जैसा कि आपको हम बता दें कि गुज़िश्ता 26 तारीख को कलकत्ता के दिलकुशा स्ट्रीट में एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हज तरबियती कोर्स था, जिसमें जो लोग हज पे जाएंगे, आज़मीन हज होता है, जो हर साल सऊदी अरब में हज के लिए जाते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था कलकत्ता के हज हाउस में 26 दिसंबर को। लेकिन इस प्रोग्राम में राज्य के मंत्री सुब्रतो मुखर्जी, बॉबी हकीम, नदीमुल हक जो TMC के सांसद है, ये TMC के तीन बड़े लोग यहाँ मौजूद थे। चलिए, नदीमुल हक की बात तो सही है, चूँकि वो पश्चिम बंगाल हज कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन फिरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी जो के नेता है, सियासतदान है, तो ऐसे लोग हज का ट्रेनिंग कैंप में क्या कर रहे थे, तो इसको जानने के लिए हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो खुद उस प्रोग्राम में मौजूद थे और वो कलकत्ता के बहुत सारे मिल्ली अदारों से भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे सामने है इश्तियाक अहमद राजू, जो मोहम्मदन गुरियल बोर्ड के भी सदस्य है, मेंबर है। इनसे हम और भी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन पहला इनसे जो हम बात करेंगे कि हज हाउस में उस दिन वो जो TMC के जो मिनिस्टर्स है वो लोग क्या कर रहे थे। राजू भाई, आपका हालात है बंगाल न्यूज़ इंडिया में, खैर मकदम है, आप 26 तारीख को वहाँ पर थे प्रोग्राम में, जी क्या हुआ था, क्या था प्रोग्राम? देखिए, ऐसा है, प्रोग्राम वहाँ पर ये था कि इस बार आपको पता है कि गुज़िश्ता साल जो है हज नहीं हो पाया है कोरोना और कोविड के वजह से, तो कोशिश ये रहा था कि भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया और मगरी बंगाल के जो हमारे स्टेट हज कमेटी जो है, और दीदी ये चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर हज के लिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हज पर जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता साल हज नहीं हो पाया है, इसलिए हज की एक ट्रेनिंग रखी गई थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे इलाके से, पूरे गांव से और पंचायत लेवल से लोग आए हुए थे, उनको बुलाया गया था और इसके ऊपर में ये चर्चा हुई थी और ये बात हुई थी कि भाई वहाँ क्या परेशानी हो रही, क्योंकि फॉर्म जो है बहुत कम एप्लीकेशन आया है, तो एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पे इस बार जाएं, इसके लिए तवज्जो दी जा रही थी। तो ये समझ में आया था, आपने ये कहा कि भाई, लेकिन वो तो हमें समझ में आ रहा है कि हज का वर्कशॉप हो रहा था, ट्रेनिंग दे रही थी, वहाँ पर सुब्रतो मुखर्जी मिनिस्टर है जी, उनका हज के प्रोग्राम से क्या क्या मतलब है? फिरहाद हकीम, वो भी हेवीवेट मिनिस्टर है कलकत्ता के, वो है, देखिए ऐसा है, फिरहाद हकीम साहब जो है माइनॉरिटी का जो भी मसला मसाइल जो होता है उसमें हमेशा से देखा गया कि फिरहाद हकीम साहब ने, यहाँ तो कोई मसला है ही नहीं, नहीं ये मसला मसाइल ये था कि भाई अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई परेशानी हो रही है, DM लेवल में कोई परेशानी हो रही है, फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी हो रही है, तो जिस तरह से द्वारे द्वारे सरकार जा रही है, तो इस तरह से हाजियों के लिए भी द्वारे द्वारे सरकार जाने के लिए तैयार है। इसीलिए बहुत सारे जो इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया गया था। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नदीमुल हक साहब वहाँ पर एज आ मगरी बंगाल स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन के हैसियत से उन्हें रहना था। तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि सुब्रतो मुखर्जी वहाँ पर क्यों थे, सुब्रतो मुखर्जी का रहना इसलिए था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोग आए हुए थे और बहुत सारे लोगों को ये परेशानी अगर हो रही है तो वो परेशानी को दूर करने के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे जो चेयरमैन हैं स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन नदीमुल हक साहब ने कहा कि भाई सुब्रतो मुखर्जी को भी रखा जाए, क्योंकि वो उनके भी नॉलेज में ये होनी चाहिए कि अगर पंचायत लेवल में कोई मसला मसाइल DM लेवल से या पंचायत लेवल से या जिला परिषद के लेवल से अगर कोई परेशानी हो रही है या फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत हो रही है या आप उस तरह से उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, फॉर्म इतना एप्लीकेशन क्यों कम हो रहा है, इसके जानकारी के लिए उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किए, बात किए कि अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है तो आप कहें कि हम उस जगह जा पाएंगे और द्वारे द्वारे सरकार जिस तरह से जा रही है इस तरह से हम लोग द्वारे द्वारे हाजियों के पास जाएंगे और उनका भी जो मसला होगा, जो मसाइल होगा, उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं कि जो हाजी जो है पश्चिम बंगाल से जाते हैं हर साल, ये तो कोई नई बात नहीं है, हर साल हजारों की संख्या में, जहाँ तक मुझे पता है 12,000 लोग पश्चिम बंगाल से हज करने जाते हैं, बंगाल का कोटा 12,000 है। 2019 में 18, इससे पहले क्यों नहीं आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम
आयोजित किया या अभी क्यों? देखिए, ये इस तरह का प्रोग्राम जो है हमेशा से होते आया है और हर वक्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस बार नया प्रोग्राम हो रहा है। आपने देखा होगा इस बार इससे ज़्यादा बहुत प्रोग्राम हम लोगों ने किया है और हज कमेटी की तरफ से प्रोग्राम हुई है। और हज कमेटी जो भी प्रोग्राम करता है तो बहुत सारे अखबार वगैरह में, मीडिया में इश्तहार दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट दी जाती है ये प्रोग्राम, इसका तो कहीं भी कोई चर्चा नहीं था, एकदम गोपनीयता क्यों थी? देखिए, ऐसा है ये कोई टेंडर और ये नहीं है कि भाई आपको फलाना फलाना जगह आपको आना है, या कोई मीटिंग नहीं थी कि आपको आना है, और ये प्रचार या एडवर्टीजमेंट का मामला नहीं था, इसलिए पेपर में नहीं आया है। उसके बाद में ऐसा है, ये तो एक ट्रेनिंग का मामला था। और अगर किसी के साथ में कोई परेशानी हो रही है, माली परेशानी लोगों के साथ बहुत हो रही है, एप्लीकेशन जमा और एप्लीकेशन कम होने का वजह भी यही है कि जिस तरह से 2020 में COVID-19 का मामला है, बहुत सारे लोगों का कारोबार ख़राब हो चुका है, बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया है, इसके वजह से एप्लीकेशन बहुत कम हुआ है इस बार, क्योंकि माली हालात जो है सभी का ख़राब है। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि भाई चलो, कहाँ परेशानी हो रही है, किस लिए ये एप्लीकेशन कम हो रहा है, इसलिए ये ओरिएंटेशन। और मीटिंग के पीछे कोई सियासी मकसद तो नहीं, क्योंकि 2021 का चुनाव सर पर है, ऐसा तो नहीं कि सब मुसलमानों को बुलाया जाए, उनसे जाना जाए? ऐसा नहीं है, ये हमेशा होते आया है, इस बार भी वही हुआ है कि भाई ट्रेनिंग दिया जाए। और हम आपको इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि द्वारे द्वारे सरकार, हमारे ममता बनर्जी का एक स्कीम और एक अभियान और एक कर्मसूची चल रहा है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजर कौन था उस प्रोग्राम का, कौन ऑर्गेनाइजर ऐसा है कि वो नहीं, वहाँ एक एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू से एक हुआ था वो। अच्छा। मुजीबुर रहमान साहब जो थे, अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं, रेट वगैरह बढ़ चुका है, तो रेट किस लिए बढ़ा है? पहले का जो ये था कि भाई चलो, ये पैसा जो था इस बार हज के लिए जो खर्च हो रहा है, खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वजह ये है कि देखिए, ये स्टेट हज कमेटी का मामला नहीं है। स्टेट हज कमेटी का मामला ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो आता है, जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जो रेट फिक्स होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, दिल्ली सरकार ही करती है इसको। हम लोगों का यहाँ पर काम होता है, स्टेट हज कमेटी का काम ये होता है कि इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनको यहाँ पर उनके गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को बताना कि इस तरह से चलना है। अब आप बोलेंगे रेट किस लिए बढ़ गया? रेट बढ़ने का वजह ये है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है इस बार क्या किए हैं कि जिस जगह एक बिल्डिंग में आप समझ लीजिए कि 100 लोग जहां पर ठहरते थे और उनका भाड़ा 10 लाख रुपया हुआ जी। तो 100 लोग जहां ठहर रहे हैं और 10 लाख रुपया भाड़ा हो रहा है, अभी वहां उसके ऊपर में डिवाइड हो जाता था। इस बार कोविड के वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से और कुछ लोग कुछ हाजियों को वहां पर कम करने के लिए उन्होंने इस बार ये सोचा है कि भाई वो 10,000 को कम करके वो बिल्डिंग में 5,000 लोग को आप रखें, 10,000 लोग, 100 लोग नहीं रखें, वहाँ 50 तो लोग रखें, कम कर दिया जाए। बेड जहाँ 10 बेड लगा करता था, वहाँ 5 बेड कर दिया। मगर वो जो पैसा जो वहाँ दिया जा रहा है 10 लाख रुपया, वो जो अमाउंट है वो तो कम नहीं हुआ। तो ये जो बर्डन है और ये जो अखराजात जो है, ये जहाँ 100 हाजियों के ऊपर में होता था, अब वो 50 हाजियों के ऊपर में हो गया। इसकी वजह से रेट जो है ये बढ़ गया। तो सऊदी गवर्नमेंट रेट बढ़ाने की वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रेट बढ़ा, खर्च वही है, लोग कम कर दिए गए, लोग कम कर दिए गए। अच्छा राजू भाई, ये तो हज कमेटी का मसला रहा, एक अलग से मैं सवाल कर रहा हूँ, चूंकि आप मोहम्मदन ब्यूरियल बोर्ड के मेंबर भी है, KMC के अंडर जितने कलकत्ता में कब्रस्तान में जो कमेटी, उसके आप वन ऑफ द मेंबर है। गोबरा कब्रस्तान में पिछले कई दिनों से एक खबरें आई है कि कुछ औरतें जाकर वहाँ पर फातिहा वगैरह पढ़ रही, जहाँ तक इस बात की जानकारी मुझे है और हमें है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना ममनू है, फिर भी ये कैसे हो रहा है? आप लोग किसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप देखे होंगे, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ नहीं, हर कब्रिस्तान में एक बोर्ड लगा देते हैं कि भाई औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई औरतों को, जैसा हम लोगों के यहाँ बहुत सारे मस्जिद वगैरह में औरतों को जाना मना है, अगर कोई औरतें या उनके घर वालों को भी ये
बताना हो बताने चाहिए। और जो औरतें जाती हैं उन्हें भी इल्म है कि भाई औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना है, उसके बावजूद भी वो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम लोगों ने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रखा है, हम लोगों ने वहाँ बोर्ड भी लगा रखा है, कई बार बोर्ड लगाए हैं, कई बार बोर्ड को वहाँ नोच के फेंक दिया जाता है। अब वो कौन करते हैं, रात के वक्त होता है, किस वक्त होता है, मगर ये देखिए, ये खुद को अपनी एक जिम्मेदारी होती है। आप को पता है कि आप शरीयत के मुताबिक, आप अगर शरीयत जानते हैं तो आपको ये समझने की भी ज़रूरत है, जो औरतें जाती हैं उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है कि कब्रिस्तान में जाना मना है। अगर वो नहीं जानते हैं तो जो जानकारी जिनके पास में इल्म है उनसे पूछे और कब्रिस्तान में ना जाया करें, क्योंकि औरतों को सख्त मना है कब्रिस्तान में जाने के लिए। आप मॉडर्न ब्यूरल बोर्ड के मेंबर भी, कभी आप लोग का जहन में नहीं आया कि चलिए उलमा कराम से इसको लेकर बैठते, वो लोग अगर अनाउंस करें, अवेयरनेस करें, या फिर जो औरतें, जो सोशल वर्कर है जिनका औरतों पे कुछ पकड़ है, ऐसे औरतों को, उनको, उनके साथ मीटिंग किया जाए, वो लोग अगर ऐसे औरतों को बुलाए। उलमा कराम और इमा हजात जितने भी हैं वो हमेशा ये तकरीर में बोलते हैं, नमाज में, खुतबा में, हमेशा से ये बोलते रहते हैं कि आप अपने औरतों को, अपने घर वाले को, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं, औरतें मेम्बर हैं, उनको आप मस्जिद से ऐलान करते हैं कि कब्रिस्तान में औरतों को सख्त मना है जाना, आप नहीं जाया करें। मगर में जो घटना हुआ इसको आप रोकने का, नहीं, घटना देखिए, हम लोग हमेशा से ये कोशिश है, हम लोगों का दरवान वहाँ पर, हर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मना करते हैं, उसके बावजूद भी इन लोग झगड़ते हैं और ज़बरदस्ती चले जाते हैं। और औरतें हैं, अब वो हाथापाई तो औरतों के साथ किया नहीं जाता, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो है वहाँ पर जेंट्स सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड रख नहीं सकते, कब्रिस्तान है, जो औरतों को रोकने के लिए आप औरतों को रख नहीं सकते हैं, आपको मर्द सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है। अब सिक्योरिटी गार्ड को भी उन लोग बात नहीं सुनते, उनके साथ में झगड़ा बहस होती रहती है, तो वहाँ पर भी परेशानी होती है। खवातीन है, जो खवातीन है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, उनसे मैं ये अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप कब्रिस्तान में नहीं जाएं, ये शरीयत में भी मना है, और इमाम हजरत भी हमेशा ये कहते रहते हैं कि आप कब्रिस्तान नहीं जाएं, औरतों को यही हम अपनी तरफ से अपील करेंगे कि भाई कब्रिस्तान में आप लोग जाएँ नहीं जाएँ, बाहर से आप ज़ियारत कर लें, घर से आप ज़ियारत कर लें, या दुआ फातिया जो भी पढ़ना है घर से कर लें, अपने जो अजीज़ हैं उनके मगफरत के लिए दुआ करना है घर से कर लें और कब्रिस्तान ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया थे इश्तियाक, बहुत शुक्रिया थे इश्तियाक अहमद राजू, जिन्होंने हमें दो बातें बताई, एक तो 26 तारीख को हज हाउस में जो मीटिंग गई थी उसके, उस मीटिंग के बारे में क्या था, उस मीटिंग के पीछे की जो बात थी, और साथ ही साथ जो कब्रिस्तानों में जो औरतें जाके फातिहा पढ़ जाए, इस पर भी उन्होंने अपने बात का इजहार किया। आप सभी हमारे साथ इसी तरह बने।